दोस्तों आइए देखते हैं कैसे अस्तीन ने लिट्टी बनाने के बाद, ये देखिए लिट्टी हमने बनाई है और इसको कैसे जो है इसके अंदर सिलते हैं। ये देखिए इसको हमने ये बनाया है, तो इसको जितनी मोरी इसकी है पहले इसकी मोरी का निशान है लगा लें। इसको इस तरह से ऐसे करके पट्टी लग कर देते हैं, ये देखिए इसको ऐसे पट्टी लगने से कर देते हैं। उसके बाद इस तरह से और इसी तरीके से इस साइड का भी ऐसे सिल लेते हैं। इसको हम ऊपर से सिल लेते हैं, ये देखिए निशान लगा हुआ है तक ये बना सकते हैं ऐसे बराबर से। उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा और इसमें इतना टाइम लग रहा है Thank you.
इस तरह से जो है नर्व की जो है सिलाई लगा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें जो है ये निशान जो लगा हुआ है ऐसे रख के, और इसमें पहले हम इसको पक्की लग कर दें, इसको कच्ची लग है अभी, हमने इसको कच्ची लगी अभी छोड़ दिया, भूल गए थे, लग सिलाई भी लगा दिए थे, और चलो फिर भी कर देते हैं पक्की लग, इसको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, इसको ऐसे पक्की लग कर दिए, ठीक है। इस तरह से इसको प्रतिरत कर दिया जाता है, और फिर से सीधे तरफ देख लेते हैं कि गलत तो नहीं हुआ। तो अब इसके ऊपर हम इस तरह से रख के इसकी अस्तीन की ताल जो है वो काट लेते हैं, और उसके बाद यहीं से इसको ताल काट लेते हैं, जैसे ऐसे ताल काट लिया, और इसको भी ऐसे बराबर। उसके बाद हम इसको जो है यहाँ से नाप लेते हैं कि 7.5 इंच है, 7.5 इंच दोस्तों आ रहा है, और ये स्ट्रेच भी है, और इसका निशान भी उठा लेते हैं, इसका निशान देखिए जब कटिंग होती है तो उसी समय उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठा पाए थे, तो इसको हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं, क्या करेंगे दोस्तों इसको पक्की लग बना देते हैं, इसको जो है ऐसे करके पक्की लग बना देते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसको भी इस तरह से सील देना। इस तरह से ये अब इसको हम पलट लेते हैं, इसको ऐसे करके पलट लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको अच्छे से सिलाई लगा, इसका जो है ऐसे कटाई के ऐसे करके सिलाई लगा देते हैं स्टील की मोड़ी। ज़्यादा मोटा हो जाने से भी मशीन नहीं चलती। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगा दी। ऐसे ला के इसको सीधे तरफ से ऐसे सिलाई लगा देते हैं। जो है दोस्तों ये देखिए अस्तीन पूरी ये देखिए ऐसे दिखाई देगी, ठीक है ये। और इसी तरीके से ये वाली मोरी को भी मोड़ देते हैं। इस तरह से ऐसे करके सिलाई लगाना है। इस तरह से उसके बाद इसको जो है इस तरह पलट लेना
तो ये आस्तीन रेडी होगी और इसकी जंपर में जो है चढ़ा देते हैं, इसमें जंपर जो है रेडी हो जाए, इसकी जंपर है, इसको ऐसे हम चेक करेंगे कि कौन सी किधर की है। तो ये वाली जो है, ये वाली ऐसे है, तो इसमें कुटका लगा के ध्यान रहता है, उसके बाद इसमें निशान लगा के और इसको जो है इसी में सिलाई कर देते हैं। करके तीन तुरपाई कर देंगे तो इस तरह से अस्तीन चल गई। अब ये वाले में भी चढ़ा लेते हैं, thank you.
ये स्क्रीन हमारी जो है जब तक चढ़ के रेडी हो गई है, ये देखिए तैयार हो गई है ये। अब उसके बाद हम इसकी पैंट जो है पैंट को पूरा कर देते हैं, पैंट को दिखाते हैं आपको, इसको हटा देते हैं। आइए आपको पैंट दिखाते हैं।